हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल हेल्थ टिप्स। फ्रेंड्स, अगर आप जीवन भर डॉक्टर के पास कम से कम जाना चाहते हैं तो याद रखिए तीन आदतों को। अगर ये तीन आदतों को आप इम्प्लीमेंट कर दें अपने जीवन में तो आपको डॉक्टर के पास कम से कम जाना पड़ेगा। तो जानते हैं उन तीन आदतों के बारे में। ये खाने से रिलेटेड हैं, सुबह का नाश्ता, दिन का खाना और रात का डिनर। अगर ये तीनों को आपने संतुलित समय पर कर लिया तो आपको जीवन भर डॉक्टर के पास कम से कम जाना पड़ेगा। सो फ्रेंड्स, बिना देर करे शुरू करते हैं। सबसे पहले बात आती है नाश्ते की। फ्रेंड्स, नाश्ता जो है सुबह के 7 बजे से लेकर 9:30 बजे के बीच कर लेना चाहिए। इसे 10 बजे के बाद नहीं करना चाहिए। और कोशिश करें कि अगर आप उठने के आधे घंटे बाद ही नाश्ता कर लें तो ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होगा। नंबर दो पे आता है दोस्तों लंच, यानी कि दोपहर का खाना। इसे दोस्तों 12:30 से लेकर के 2 बजे के बीच कर ही लेना चाहिए। और याद रहे, नाश्ते और लंच के बीच में 4 घंटे का अंतर होना चाहिए। और सबसे अंत में आता है रात का डिनर। डिनर दोस्तों 6:30 बजे से लेकर के 8:30 बजे तक खाने का समय होता है। और 10 बजे के बाद इसे बिल्कुल भी मत कीजिए। और कोशिश करिए, अगर बाय द वे कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो रात को 10 बजे के बाद घर पे लौटते हैं तो उस कारण से वो लोग लेट खाना खाते हैं, तो उनके लिए ये उपाय है कि वो लोग अगर खाना लेट खाते हैं तो आपका सोने का और खाने का जो अंतर 2 से 3 घंटे का होना चाहिए। सो फ्रेंड्स, ये थी छोटी सी जानकारी हेल्थ टिप्स की ओर से। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस तरीके की हेल्थ वीडियोज़ मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। थैंक्स।